टू द नेक्स्ट थ्योरम, जिसे हम सब थ्योरम कह सकते हैं या कोरोलेरी कह सकते हैं इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो कोरोलेरी पार्ट है, इसमें कह रहा इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बाइसेक्टर शब्द आ गया ना, वो भी कोण का आधा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, तो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, इसी के लिए इसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो कह रहा इफ एबीसी, ठीक है, इसका बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर दो बीच बीच, ठीक। और इसी तरह से एसीबी है, इसका एंगल ये है और इसको बाइसेक्ट अगर हम कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो कट कर रहा है, मीट एट पॉइंट ओ का मतलब एक दूसरे से ओ पे मिलते हैं, तब आपको प्रूफ करना है ये जो एंगल बी ओ सी है, ठीक है, वो 90 प्लस हाफ हाफ ए होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम नाम दे देते हैं एंगल वन, इसको नाम दे देते हैं एंगल टू, ठीक है, ये आप दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, इसको करने के लिए फिर से वही स्टेप, तो सबसे पहले गिवन दिया है एक ट्राइंगल एबीसी और उसके बाइसेक्टर एक दूसरे को ओपी मिलती है, दे ही तो रखा है, मैंने वही लिख दिया है। फिर सिद्ध क्या करना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है। फिर देखिए प्रूफ, प्रूफ में अब यहाँ कहो कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं, बेटा जब कंस्ट्रक्शन हो तब करें ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते वक्त सबसे पहले आइए इसी ट्राइंगल बी ओ सी में, ठीक है, फिर उस पे आते हैं बड़े वाले पे, इन ट्राइंगल बी ओ सी। तो आप कहोगे इन ट्राइंगल बी ओ सी में एंगल वन प्लस एंगल टू और प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इन ये ट्राइंगल है ना, अभी क्या पढ़े थे, इनका सम कितना होता है 360 नहीं 180, कितना होता 180, ठीक है। अगर ये 180 होता है तो आप देखो, आपको ये प्रूव करना है BOC बराबर, तो आप क्या पा जाओगे BOC बराबर 180, और ये दोनों एंगल अकेले इधर ले आइए क्योंकि आपको तो BOC चाहिए ना, तो यहाँ पर ये जब आएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक साथ आएंगे और ब्रैकेट लगा लिया है, इस साइड आएंगे, इससे पहले माइनस में आएंगे, ठीक है। अब आपका जो एम है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए, आपका एम है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसी तरह से ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कन्वर्ट कर दे 90 प्लस ए बाई टू, ये कहाँ से मिलेगा। तो इसकी को वैल्यू लाने के लिए हम बड़े ट्राइंगल में आते हैं, यानी ए बी सी। तो कहोगे नाउ कम टू द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल में आप क्या कहोगे, क्या कहोगे बेटा, तो आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यही तो कहोगे। अब देखो एंगल ए तो अपनी ही जगह है ना, लेकिन हम बी को हाफ हाफ, अब देखो यहां पर एंगल बी है क्या, ये एंगल भी पूरा है और वन तो इतना है, तो वन अगर इतना है ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही तो है, तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ हाफ एंगल वन, ठीक है। यहां पर फिर से देख लो, मैं क्या ये मैंने सही लिखा है, आप कहो कि बिल्कुल मैंने गलत लिख डाला है, हाफ हाफ एंगल नहीं, टू टाइम्स हाफ एंगल वन लिखेंगे, क्योंकि एंगल वन और इन दोनों को मिलाओगे तभी तो ये बनेगा, टू टाइम्स हाफ एंगल वन। और इसी तरह से सी को क्या लिखूंगा, टू टाइम्स हाफ एंगल टू, ये मैं जान के गलत लिखा था, आप पकड़ो तो कहां गलती होती है। फिर देखो 180 ये होगा, ठीक। अब यहां पर देखो ए को मैं यहां ला सकता हूं, ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस एंगल ए। अब मैं क्यों ला रहा हूँ, इनको क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे वन और टू लाना है, इसलिए नहीं ला रहा हूँ इसको, ठीक। अब ये जब इधर चला आया तो टू टाइम्स ऑफ एंगल वन बचा था और टू टाइम्स ऑफ एंगल टू बचा था, जिसमें से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो एंगल वन प्लस एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल और इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो हाफ जब अंदर गुणा होने जाएगा तो इसको तो 90 कर देगा और इसको क्या कर देगा, हाफ हाफ एंगल ए कर देगा, ठीक। क्या एंगल वन प्लस एंगल टू का सम, इसको इक्वेशन नंबर टू बना लो। तो आप देखो फर्स्ट और टू से अब हम ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दे, हमें जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा। यहाँ कह दोगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, ठीक है, पुट द वैल्यू
ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू इन वन, ठीक है। जब इसमें आप रखोगे तो आप कहोगे क्या, बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पर बेटा ये पूरी वैल्यू रखोगे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए मिलेगा। तो 180 और माइनस 90 और ब्रैकेट खुलेगा 90 90 प्लस हाफ। देखो मुझे जो प्रूव करना था मिल गया, 180 में से 90 गया बेटा, क्या मिलेगा 90 और प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसी को हमें प्रूव भी करना था कि बीओसी जो होता है वो इतना होता है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, आपको हर चीज समझ में आई होगी। फिर भी यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, वहां पर आप अपनी समस्या बता दें, उस समस्या को दूर किया जाएगा 100%। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए धुआंधार तरीके से।